ये चीख है, पुकार है, चित्कार है, कलेजा फाड़ देने वाली ये आवाजें हैं। ये आवाज, ये रुंदन, ये मातम इस गांव के कोने कोने में है। यहाँ हर गली में मातम है। अलीगढ़ के करजुआ गांव में एक साथ कई लोगों की मौतों ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। मौत दबे पांव यहाँ आती है, फिर मचाती है तांडव। दारू पी के खत्म है गए। कितने लोग खत्म हुए हैं? यहाँ तो कई हुए हैं। कितने? सात। कहाँ से दारू पी थी? यही ठेका पे थे। कब दारू पी थी? राकल ने पी है रात। क्या नाम है? राजेश सर। और कौन कौन है? महेश सर। सुनील विमलेश अब बेवा हो गई है, दहाड़ दहाड़ कर रो रही है और इस रोने में गुस्सा भी है तो बेचार की भी। जहरीली शराब ने यहाँ कई लोगों को मारा है। मृतकों के परिजनों से सुनिए कैसे ये जहरीली शराब काल बन गई। क्या हुआ है गांव में, कैसे मौत हुई? ये सब मेरे बड़े भाई थे और दारू पी करके इनको इनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की डेथ हुई है गांव में? करीबन तीन लोगों की, चार पांच लोग घायल तरीके में प्लांट पे, और कुछ प्लांट के ड्राइवर हैं। कैसे मौत हुई? दारू से। करसुआ गांव है, यहाँ पे करीब तीन चार लोगों की मौत हुई है दारू पीने की वजह से। दारू में कुछ जहरीली कुछ मिलाया हुआ था। तीन लोगों की या सात लोगों की? चार प्लांट पे। नहीं, कुछ यहाँ पे प्लांट है, वहाँ पे काम करते हैं वर्कर लोग, वो भी मर चुके हैं। अच्छा, यह गांव में किस किस की मौत हुई? गांव में एक तो महेश, राजेश, एक सुनील और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहाँ से शराब खरीद के लाए थे? ये गांव पे एक ठेका है, वहाँ से करतुआ पे प्लांट के सामने ही है, देसी का ठेका है। ये मातम इस गाँव में ही नहीं है, बगल के गाँव में भी दहशत है, डर है, मौत है। खैर, गांव में भी इस जहरीली शराब ने सांसें थामी हैं। यहाँ पे शाम को तीन चार लोग थे जो खत्म हुए हैं। तीनों ने बैठ के यहाँ देसी ठेका है यहाँ शराब का, वहाँ से शराब लाए, उन्होंने पी है तीनों ने, और चार लोगों ने पी थी वैसे तो। और तीनों में से रात को तीनों अच्छे से सोए हैं और रात में तीन बजे के समथिंग तीनों की डेथ हो गई। एक हैं जो गंभीर हालत में है, एडमिट है अलीगढ़ में, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ जो जिला प्रशासन कब आया था? अभी आया है, जब रिपोर्ट पहुंची है उसके बाद एक्शन लिया है लोगों ने, तब वजह के कोई आया है, इससे पहले तो कोई नहीं आया। अलीगढ़ के इन गांवों में एक दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, तो कई लोगों की हालत गंभीर है। इस जहर की वजह से कई लोगों के आंखों की रोशनी तक चली गई है, सब तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है। इस जहरीले जाम की खबर जब आम हुई तो प्रशासनिक अमला पहुंचा, पुलिस पहुंची। ये जो प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को सूचना मिली थी, वो मिली थी ग्राम करसुआ में शराब पीने से पांच मौतों की, जिसमें दो ट्रक ड्राइवर हैं और तीन गांव के मजदूर हैं जो काम करते हैं। तो हम लोगों ने मौके पे भ्रमण किया और वहां पे जानकारी किया, तो लोगों ने कहा कि जो यहां पे उसके गैस गोदाम है, गैस गोदाम के सामने बहुत सारे टैंकर रहते हैं, तो लोग रात में वहां रुकते भी हैं, तो उन लोगों ने शाम के समय ठेके से शराब खरीदी और उसी को पीने से उनकी मृत्यु हुई, जो जानकारी में आया। और उसके बाद वहीं से जानकारी में आया कि अंडला में भी एक मौत हुई है, अंडला का भी हम लोगों ने भ्रमण किया। तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेरत और अंडला की सूचना थी, वो एक ही व्यक्ति की दुकान है। टोटल पांच वहां पे डेथ हुई है करसुआ में, एक अंडला में और तीन जो है वहां पे हुई है छेरत में, और दो अस्पताल में इलाज के दौरान मरने की सूचना है। कुल अभी तक 11 है। मौतें होती हैं, सवाल होते हैं, तो जांच और कार्रवाई का ककहरा पढ़ा जा रहा है। करी विभाग की है, लाइसेंसी है, और प्रथम दृष्टया लाइसेंसी जो उनके सेल्समैन है इसके लिए दोषी हैं, उनको पुलिस उनके खिलाफ FIR लिख करके कार्रवाई भी कर रही है। मैंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात किया है और उनके स्तर से मैंने कहा है कि ये चूँकि गंभीर घटना है और इसमें NSA की कार्रवाई करनी है हम लोगों को, और पूरी टीम सर्विलांस की टीमें लगा करके सारे लिंक निकाल करके जो इसमें मेन आदमी है वहाँ तक पहुँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और उसी दिशा में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। टीम SSP के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था जिसकी दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस पर पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। जो इनके नमूने थे, जो गांव में जो लोगों से मिले, जो लोग शराब पिए थे, और जो नमूने यहां पर जिस दुकान में जहां से ये सेल्स हो रहा था, इन दोनों नमूनों को ले लिया गया है और उनको केमिकल टेस्ट के लिए लैब में हम लोग भेज रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ये योगी की सरकार है, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा। ऐसा अपराध जीवन में न करे। 302 में 302 में मुकदमा दायर होगा। 26 साल के लड़के इसमें एक्सपायर हुआ है। 302 में मुकदमा दायर होगा। ये नहीं है कि दारू पी के मरा, क्योंकि जहरीली शराब फेंकना और मर्डर करना दोनों समानता है। योगी की सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिसने जुर्म करा है वो जेल जाएगा, हथकड़ी लग के जाएगा और उसका पूरी पारदर्शिता से दिखाया जाएगा कि ऐसा भविष्य में कोई न करे। जी, उम्मीद तो यही थी कि जहर बांटने वालों पर सरकारी जकड़ होगी, शराब से हो रही मौतों पर लगाम होगी, लेकिन सब बेकार। आजमगढ़, बदायूं, अंबेडकर नगर के बाद अलीगढ़ के इन गांवों में मौत का नाच है। सवाल है कि इतने सख्त नियमों के बाद भी ये जहरीली शराब का खेल कैसे हो रहा है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत और अक्रम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।